मैं चेतन राइजिंग स्टार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस एंड गिव्स द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे निर्देश के अनुसार काम करता है और प्रोसेस करके परिणाम देता है। ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। इट कैन डू मिलियंस ऑफ टास्क इन ए सेकेंड, यह सेकेंड में लाखों काम कर सकता है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट डे टू डे टास्क लाइक राइटिंग लेटर्स, डूइंग कैलकुलेशंस, मेकिंग ड्राइंग, प्लेइंग म्यूजिक वीडियो एंड मैनी मोर। यह दिन प्रतिदिन अलग अलग कार्य कर सकता है जैसे पत्र लिखना, गणना करना, चित्र बनाना, संगीत चलाना, वीडियो और बहुत से काम। द कंप्यूटर सिस्टम इज कैटेगराइज्ड मेनली टू पार्ट्स। कंप्यूटर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, नंबर फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकंड सॉफ्टवेयर। पहले पढ़ते हैं हम हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट्स दैट यू टच एंड अटैच टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। वे भाग जिसे आप छू सकते हैं और जो कंप्यूटर से जुड़े हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और स्कैनर आदि। इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के सभी इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक भाग को दर्शाता है। यू नो दैट समबडी पार्ट्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लिवर etc. आर इनसाइड योर बॉडी। आप जानते हैं कि कुछ शरीर के अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय, लीवर आदि शरीर के अंदर हैं। सिमिलरली दैट कंप्यूटर आल्सो हैज सम ऑफ इट्स हार्डवेयर पार्ट्स इनसाइड। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हार्डवेयर का कुछ हिस्सा होता है। दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। सम ऑफ दीज आर, नंबर फर्स्ट मदरबोर्ड, SMPS, रैम, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ देखेंगे SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है, नंबर फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड लास्ट स्टोरेज डिवाइसेस। पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वे हार्डवेयर जो आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर etc. प्रोसेसिंग डिवाइस। ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू प्रोसेस द इनपुट डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। वे हार्डवेयर जो आपको इनपुट डेटा को संसाधित या कहें तो प्रोसेस करने की अनुमति देता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट शो यू द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइसेस। कोई भी हार्डवेयर जो आपको अंतिम परिणाम दिखाता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जाम्पल मोनिटर, प्रिंटर etc. स्टोरेज डिवाइसेस। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड एज ए स्टोरेज डिवाइस। किसी भी हार्डवेयर का उपयोग भविष्य के उपयोग के लिए डेटा, निर्देशों और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइसेस विच स्टोर्स द एंटायर वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। हार्ड डिस्क मुख्य स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर पर किए गए पूरे काम को स्टोर करता है। अब पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज नाउन एज सॉफ्टवेयर।
प्रोग्राम का एक समूह सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वी कैन नॉट टच इट, हम इसे छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर हाउ टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए हार्डवेयर को बाधित करता है या हार्डवेयर का सहयोग लेता है। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर के मोजिला फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस, लिनक्स। फैक्ट बूस्टर में आता है, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क अलोन, हार्डवेयर अकेले काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर पार्ट्स वर्क, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भागों पर काम करता है। सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू डू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जो आपको एक विशेष प्रकार का काम करने में मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो यू यूज पेंट प्रोग्राम टू ड्रॉ, आप ड्राइंग के लिए एक पेंट प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। यू कैन नॉट डू कैलकुलेशन यूजिंग पेंट, आप पेंट का उपयोग करके गणना नहीं कर सकते। टू डू कैलकुलेशन यूज द कैलकुलेटर प्रोग्राम, गणना करते समय आप कैलकुलेटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। गेम्स यूज फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं। एमएस पेंट यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर, पिक्चर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ गणितीय गणना के लिए उपयोग किया जाता है। विंडो मीडिया प्लेयर यूज फॉर वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग सॉन्ग्स, मूवी देखने के लिए और गाने सुनने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर का यूज होता है। यहाँ आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त कार्य को नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच बातचीत के माध्यम के रूप में कार्य करता है। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, यह पहला सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाना है। ए कंप्यूटर इज यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बेकार है। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेट अस लुक एट सम ऑपरेटिंग सिस्टम, आइए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पर नज़र डालते हैं। विंडो 7 होम पेज है ये, विंडो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होम पेज, विंडो 10। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक ए कार विदाउट ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर ड्राइवर के बिना कार की तरह है। थैंक यू।